वेलकम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो फ्रेंच फ्राइज़, क्रंची पोटैटो फ्रेंच फ्राइज़। उसके लिए जो हमें रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं पोटैटोस, जिनको हमने पील कर लिया। उसके बाद हमें चाहिए बेसन, अजवाइन और नमक। आइए हम पोटैटोस को फिंगर्स की शेप में काट लेते हैं और फिर नेक्स्ट देखते हैं कि हम क्या करते हैं। ये देख लें, मैंने पोटैटोस फ्राइज़ की शेप में मैंने काट लिए हैं और फिंगर की शेप में। और अभी ये जो हमारे पास बेसन है, अजवाइन है और नमक है, अब हम ये इसमें डालेंगे। ये हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल रहे हैं और थोड़ा सा इसमें हम नमक, थोड़ी सी और डाल देते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा बेसन स्प्रिंकल करेंगे। ये फिंगर्स को मैंने अच्छी तरह धो लिया, मैं हाथ की मदद से इसमें इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी ताकि ये सारी चीज़ें सब में लग जाए। ये मैंने सारे जो फ्राइज हैं, फिंगर्स हैं, इनको मैंने अजवाइन, नमक और बेसन लगा के 10 मिनट के लिए मैंने इसको मैरिनेट किया ताकि जो नमक है और अजवाइन इसका टेस्ट इसके अंदर चला जाए। और अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। ये आप देख सकती हैं कि हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने जो फिंगर्स हैं उनको डालते हैं। एक एक करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा देखने में। ये आप देख सकते हैं साथ साथ इनको हिलाते जाना है। जैसा आपको कलर पसंद है, कुछ लोग लाइट पसंद करते हैं, कुछ थोड़ा सा डार्क ब्राउन पसंद करते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उतना आपने कर लेना और सर्व कर देना। अभी हम इसको 5 मिनट देंगे और ब्राउन होने के लिए। हमारे जो फ्राइज़ हैं ऑलमोस्ट रेडी हैं। अभी हम एक दो मिनट के लिए इनको और कर लेते हैं। फिर मुझे थोड़ा सा डार्क कलर अच्छा लगता है। थोड़ा सा प्रेस भी कर सकते हैं। तो फ्राइज़ अजवाइन और नमक के टेस्ट के साथ, बेसन के साथ बहुत ही डिलीशियस लगते हैं कि दिल चाहता है कि बस खाते जाएं। ये हमारे फ्रेंच फ्राइज रेडी हैं, रेडी टू सर्व। अच्छी तरह इसमें से ऑयल स्ट्रेन कर लें। जैसे रमज़ान जा रहा है, रमज़ान का आखिरी अशर है, जितनी भी इबादत हम कर सकते हैं, काम में अगर हमें टाइम नहीं मिलता तो जैसे मैं काम कर रही हूँ उस तरह इस्तग़फ़ार पढ़ते जाएँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी कर दे, हमारी इबादत को कबूल करें। बिस्मिल्लाह।
अब हम नेक्स्ट डालते हैं इसमें। इसमें पानी नहीं होता, सिर्फ हल्के से वेट होते हैं और उसमें बेसन नमक और अजवाइन लगता है, तो उसके साथ ही लगा रहता है मैरिनेट करने के बाद। उसमें सारा जायका चला जाता है, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं खाने में, तो डिफरेंट सा टेस्ट आता है। बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। कि हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। हमारे फिंगर्स, हमारे फ्राइज ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हैं। नेक्स्ट जब शुरू में डालें फौरन इसमें चम्मच ना हिलाएं, 2-3 मिनट के बाद हिलाएं ताकि जो उसका बेसन है वो टूटने ना पाए उसके साथ से। बिस्मिल्लाह, ये देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आ गया इनका। हमारे फ्राइज फिंगर्स रेडी हैं। तारी का टाइम है, ये मैं तारी में सर्व करूँगी। साथ में अगर हम इस्तगफार करते जाएं, अल्लाह ताला हमारी मदद करे, हमारे लिए आसानियाँ करे, दूसरों के लिए आसानियाँ करें, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे। ये देखें, ये देखिए, ये हमारे फिंगर्स क्रंची फिंगर्स रेडी हैं, रेडी टू सर्व। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।